लाइक उस दिन एक दफा मैं अपने दोस्तों को भी मजाक में थी कि यार मैंने कोई जोक मारा बहुत फनी, लाइक यार जब मैं मर जाऊंगी तुम लोग ये जोक बताओगे ना लोगों को, मैंने बोला था. सो इट्स जस्ट दैट, जस्ट छोटे मोमेंट्स का जितना भी आप यू नो उनको चेरिश कर सकते हैं उनको करना चाहिए. अच्छा वैसे ये हानि ही कर सकती है कि अपनी ही डेथ के बारे में बात करते हुए ऐसा जोक सुना के खुद भी हंसे और मुझे मैं सोचूं या ये कैमरा मेरे पर है, मैं हंसूं या नहीं हंसूं, यू नो मैं जोक नहीं था थोड़ी सी नहीं मतलब ये ऑप्टिमिस्टिक बात है. वो जोक पता क्या था, हम लोग पता नहीं सुशी खाने जा रहे थे, देयर वाज अ थ्री ऑफ अस इन द कार, मैं पिछली सीट में बैठी हूँ और मैं ऐसे लोगों को आते जाते देख रही हूँ ना होटल के सामने से ना रेस्टोरेंट के सामने से, मैं गाड़ी में बैठे मैं कह रही हूँ गाइस, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा यू नो ऑल दीज पीपल जो मुझे नहीं जानते जो मुझसे नहीं मिले, कहते हैं हाँ, मैंने कितने अनफॉर्चुनेट ये मुझे नहीं जानते. आई एम कनेक्टिंग विद यू, यू नो व्हाई, लेम जोक. I also do lame jokes, जो मेरे ऑफिस वाले जानते हैं, so I can totally understand. लेकिन मेरे दोस्त भी ऐसे हैं, उन्होंने भी शामिल होने का सर गुड गुड, उनको पता है, उनको पता है, used to उनके यार ये वो सोचोंगे ये इस लेवल से नीचे गिरी है ये थोड़ा ऊपर गई है lameness. नहीं पता, always keep them guessing. Never let them know your next move. That's वैसे उससे वैसे वो percentage बहुत कम होगी who don't know you, hardly होगी. कब कभी ऐसा हुआ है वैसे अभी जब निकलती है किसी ने नहीं पहचाना हो? ये तो अब तो नहीं होता होगा. हाँ, तो वो परसेंटेज एग्जिस्ट ही नहीं करती. देयर आर नो अनफॉर्चुनेट पीपल इन दिस इन पाकिस्तान. नहीं मतलब वो था कि मुझे जानते नहीं है, नॉट लाइक ए हानिया समथिंग, लाइक एज अ पर्सन नहीं जानते. उसमें भी डेप्थ थी मेरी बात की, मेरे जोक में डेप्थ थी. दे डोंट नो व्हाट अ ग्रेट पर्सन आई एम, व्हाट अ डीपली पर्सन. ये नेक नेक से भी डेप्थ है. See, that's the way to go about it. Okay. No. These people are laughing, so it's a win for me. And I'm also laughing. No, आपने मुझे जीत लिया, आपने मुझे इम्प्रेस कर दिया. यू आर राइट, यू लाइक ऐसे थोड़ी है मुझे नाम नहीं देखा. दे डोंट नो मी इन मतलब दे डोंट नो माय थॉट्स, दे डोंट दे डोंट नो हु हानिया आमिर इज. रियली आर यू एंजॉयिंग द न्यू ड्रामा? यस वेरी मच, इट्स अ लिटिल डिफरेंट एंड आई मीन उस तरह तो नहीं डिफरेंट बट फॉर मी अब सीरियस एक्टर हो गई हूँ ना, तो सोचती रहती हूँ कि इसको कैसे करूँ, उसको ऐसे करूँ, कैसे करूँ, तो ओवर थिंक करती हूँ हर चीज़. सीरियसली? या क्यों ओवरथिंक करती भी और नहीं भी करती, पता नहीं लाइक मूड होते हैं, यंग ब्लड कभी ठंडा कभी गर्म टाइप, कभी जोश मारता कभी बिल्कुल छोड़ो यार. यार बस हो जाएगा, जाएंगे तो देखी जाएगी, इतनी क्या स्ट्रेस की बात है. बट बदम महमूद इज डायरेक्टिंग इट, इज अ रियली चिल पर्सन. उनके साथ तो काम करना मुझे लगता है मजे का होता है, आसान होता है. बदर भाई उनके साथ पहले आपने इश्किया भी किया हुआ है, बहुत प्यारे इंसान है. एंड ऑल्सो आफ्टर इश्किया और इस ड्रामे के बीच में बहुत गैप आया, तो हम मिलते भी रहते थे और बहुत बहुत शगल भी होता था. एंड ही इज जस्ट सच अ स्वीट पर्सन के ऑन सेट ना बहुत कम डायरेक्टर्स को मैंने करते हुए देखा है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद ओनली I'd like to believe the best directors, you know, they're such nice human beings. Badr bhai, aap set pe jao, scene batate hain, kehte hain, this is your playground, do whatever you want. Okay. And then I'll tell you if it's okay or not. To wo aapko wo space dete hain sab kuch karne ki, to phir bahut khul ke aur bahut acha scene hota hai. Aur phir I think wo creativity aur thoda sa wo ownership bhi aa jati hogi, because you know ki acha yaar mujhe karna hai. Aap bahut confident feel karna shuru karte hain ki mujhe aata hai. Jo maine kiya wo approve ho gaya hai.